हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे 10 एमसीक्यूज ऑन क्विट इंडिया मूवमेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही ज्यादा है। यूपीएससी मेंस आ रहा है और यूपीएससी मेंस नहीं, यूपीएससी प्रीलिम्स आ रहा है, अक्टूबर में आ रहा है, फर्स्ट वीक में ही है। और उसके बाद नेक्स्ट वीक जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स दे रहे हैं उनका भी है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक ना एक क्वेश्चन आ सकता है। 10 क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हर क्वेश्चन के बाद वीडियो पॉज करें, आंसर लिखे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? और एंड में अपना स्कोर भी लिखे। फिर देखिए, अगर स्कोर आपका कोई बात नहीं, 6 out of 10 आ रहा है, नॉट एन इशू, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है? और भी कम आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, 2 भी आ रहा है तो कोई बात नहीं। फिर से वीडियो देखे, स्कोर फिर से देखे अपना कमेंट सेक्शन में कितना था, अब बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? कोई शर्म वाली बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्टीमेटली एग्जाम क्लियर होना चाहिए, अगर स्कोर कम है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, राइट? चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि वॉइस रॉय कौन थे भाई क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में, बताइए क्या लगता है? बिना ऑप्शन को देखे बताओ। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड विलिंगटन एंड लॉर्ड लिनलिथगो, सबके आगे लॉर्ड है, बताइए कौन से हैं? सब लोग वैसे इनको तो एलिमिनेट कर पाए होंगे, अगर इनको एलिमिनेट नहीं कर पाए तो प्रिपरेशन सही नहीं है, प्रिपरेशन सही नहीं है। मैं तो कहूंगा प्रीलिम्स दो ही मत, अगर आप इसको एलिमिनेट नहीं कर पाए तो प्रीलिम्स मत दो, सॉरी सॉरी टू से दिस, ठीक है? तो बाकी बी सी डी ठीक है, ये तो कैबिनेट मिशन प्लान के बाद आए थे। आईओपी वाला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाओ, एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट, वैसे आप कोशिश करेंगे तो हो पाएगा। तो देखिए, सोचते हैं, बताइए इसका आंसर क्या है। बाकी तीनों आसपास है, बाकी तीनों आसपास है। अगर थोड़ा आइडिया है, वेवल कॉन्फ्रेंस हुई थी थोड़ा बाद में, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद में, तो शायद बता पाओ इसका आंसर। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर है डी, इसका आंसर है डी, लॉर्ड लिनलिथगो। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सोचिए, और एक और कौन सा मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट था, और गांधीयन मूवमेंट कौन सा था, सिविल डिसोबीडियंस, इसके टाइम में कौन थे वायसराय, कमेंट सेक्शन में लिखिए आप, कमेंट सेक्शन में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ऐसी पढ़ाई की जाती है स्टडी करके, राइट? और अगर आप चाहते हो मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, आप बस अच्छे से प्रिपेयर करें, राइट? ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी रेटिफाइड क्विट इंडिया रिजोल्यूशन एक्ट कहां पर किया, कौन सा सिटी था, पूना था, बॉम्बे था, कैलकाटा था, दिल्ली था। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है? देखिए, इसका नहीं आता आंसर तो थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि आजाद मैदान कहां पर है, अगस्त क्रांति मैदान कहां पर है, ठीक है? थोड़ा अगर ठीक है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, आजाद मैदान वैसे थोड़ा सा पता होना चाहिए, राइट? और फ्रेंड्स, और इसमें आप क्या सोच सकते हो? सॉरी फॉर दिस। हाँ फ्रेंड्स, हम कहाँ पे थे, मैं आपसे पूछ रहा था कि इसमें थोड़ा सोचिए, आजाद मैदान कहाँ पर है, और अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है, और अगर इससे भी नहीं आ रहा तो एक ट्रेन चलती है अगस्त क्रांति एक्सप्रेस, कहाँ से कहाँ चलती है अगस्त क्रांति एक्सप्रेस, चलती है दिल्ली से बॉम्बे, है ना? अब जो दिल्ली से मुंबई है अगस्त क्रांति एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस है, ये थोड़ा सोचिए। ये थोड़ी हिंट्स दे रहा हूँ मैं आपको, जो आपको शायद हेल्प करे। आजाद मैदान में तो लड़ाई हुई थी, ठीक है? काफी, मतलब आजकल भी लड़ाई वड़ाई कुछ होती रहती है, कुछ प्रोटेस्ट वगैरह करना होता है, आजाद मैदान में मिल जाते हैं लोग। तो इसका आंसर है बॉम्बे, इसका आंसर है बॉम्बे। और किस सन में हुआ था, सन भी याद होना चाहिए, 1942, 8 अगस्त 1942, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है 8 अगस्त भी याद रखो। चलिए, इवेंट विच अकर्ड जस्ट बिफोर स्टार्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, अब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है? ऑप्शंस है ए अगस्त ऑफर, बी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सी क्रिप्स मिशन, डी वेवल प्लान। देखिए, इसमें जस्ट बिफोर लिखा है, जस्ट बिफोर क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले क्या हुआ था। अगस्त ऑफर तो देखिए थोड़ा पहले आया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो कहीं और की बात है, 1930 से 1932 की बात हो रही है, तो ठीक है। क्रिप्स मिशन ये थोड़ा सोचिए, और वेवल प्लान इसके बारे में सोचिए। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद वेवल प्लान आया था, ठीक है? बाद में शिमला में भी गए थे, इसको शिमला प्लान वगैरह भी कहा जाता है, गांधी जी को बुलाया था शिमला, राइट? किसने, वेवल ने, लॉर्ड वेवल। क्रिप्स मिशन ये है आंसर भाई, ये क्रिप्स मिशन फेल हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, ठीक है? अगस्त ऑफर पहले आया, क्रिप्स मूवमेंट बाद में, क्रिप्स मिशन बाद में, याद रखो अगस्त ऑफर पहले और क्रिप्स मिशन बाद में, राइट? काफी बार क्या होता है, दिमाग चलना बंद हो जाता है, सोचते हैं लोग कि अगस्त में ही अगस्त ऑफर आया, अगस्त में ही क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, ऐसा काफी लोग दिमाग लगाने बैठ जाते हैं और आज सर माफ करके आ जाएंगे अगस्त ऑफर। नहीं, ऐसे नहीं, क्रिप्स मिशन आंसर है। अंडरग्राउंड एक्टिविटी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज परफॉर्म बाई हुम, राम मनोहर लोहिया,
इनके नाम पे हॉस्पिटल भी है, जयप्रकाश नारायण, बहुत पॉपुलर, यही वो जेपीएसजी भाई, जेपी मूवमेंट वाले भी 1976 के आसपास जो हुई थी, ठीक है, 1975, 74 और पहले से चलती भी आती है। बीजू पटनायक, हाँ जी, यही वो फैमिली है जिसकी आज उड़ीसा में सीएम कौन है, वो भी मिस्टर पटनायक है ना, तो वहीं से आ रहा है ट्रेड, आप देख रहे हो ना, ये राम मनोहर लोहिया बड़े पॉपुलर लीडर थे, यूपी से थे। आंसर क्या है इसका, अंडरग्राउंड एक्टिविटी कौन कर रहा था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में, ये सारे लीडर उसी टाइम में नए नए आए थे, क्योंकि जो बड़े लीडर थे वो तो जेल गए थे, तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर है, ऑल ऑफ दी अबव, सारे के सारे। अब क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच, क्या चित्तू पांडे बलिया में थे या सतारा में थे, या नाना पाटिल कहाँ थे, सतारा में थे, क्या लगता है, पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी। देखिए काफी बार ना यूपीएससी क्या करता है, लिखता भी नहीं है, तो पूछ लेता है कि भाई ये दोनों क्या करेक्ट मैच है या नहीं है, किससे रिलेटेड है, खुद सोचो। तो इन दोनों की पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी, पैरेलल गवर्नमेंट, छोटी छोटी सरकारें चलना शुरू हो गई थी, ब्रिटिशर्स को भगा दिया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में काफी सिटी से ब्रिटिशर्स को भगा दिया गया था, उनमें से दो सिटी थे बलिया और सतारा, ठीक है। तो ऑप्शंस में आंसर क्या है, आंसर क्या है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव, सोचिए, राइट, इनकरेक्ट लिखा है, करेक्ट लिखा है, ये भी देखो, इसका आंसर है बोथ, मतलब चिट्टू पांडे बलिया में थे, नाना पाटिल सतारा में थे, राइट, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, उल्टा सीधा मत करने कर देना। चलिए आगे बढ़ते, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन वर एसोसिएटेड विद क्वीन इंडिया मूवमेंट, उषा शर्मा, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट, ये सीएम थी कहाँ की बताओ कमेंट सेक्शन में, सीएम ऑफ विच स्टेट, अरुणाचल वाली मार्ग भी है दिल्ली में, है ना, बड़ा पॉपुलर जगह है। चलिए इस पे वापस आ जाते हैं, ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की, एनी बेसेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कांग्रेस की कौन थी, एनी बेसेंट, ठीक है, सरोजनी नायडू नहीं थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो थी वो सरोजनी नायडू है, फर्स्ट वुमेन एनी बेसेंट है, किस सन में थी कमेंट सेक्शन में लिखो, किस सन में एनी बेसेंट प्रेसिडेंट बनी कांग्रेस की। चलिए वापस आते हैं इस क्वेश्चन में, ऐसी सब चीजें हमें इंटर रिलेट करनी होगी, फिर हमारी पढ़ाई ना बड़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, लेक्चर्स आप देखते रहो, आपका बहुत बढ़िया रहेगा। ऑप्शंस है वन ओनली, वन एंड टू ओनली, वन टू एंड थ्री ओनली, ऑल ऑफ द अबव, भाई उषा शर्मा तो लग रहा है सबका ही है ना, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं, आप बाकी सोचो। देखिए एनी बेसेंट जो है, आपको अगर पता हो तो ये तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ बात कांग्रेस से एसोसिएटेड ही नहीं रही, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो 1920 में हुआ, थोड़ा सा ये भी हुआ, गांधी और इनकी बनती नहीं थी, ठीक है, गांधी के जो टेक्निक थी वो पसंद नहीं थी एनी बेसेंट को, तो खत्म हुआ उनका। अगर आप फोर को एलिमिनेट कर पा रहे हो तो क्या बचा, वन ओनली, वन एंड टू, वन एंड थ्री ओनली, ठीक है, फोर को तो एलिमिनेट करा, चलो कुछ तो हुआ फायदा। उषा शर्मा और अरुणा आसिफ अली ये तो एसोसिएटेड थी, ठीक है, अरुणा आसिफ अली ने तो झंडा भी फहराया था, और सुचेता किरलानी क्या ये एसोसिएटेड थी या नहीं, इसको बारे में आप थोड़ा सोचो, और वो भी एसोसिएटेड थी, वन टू एंड थ्री, ठीक है। व्हाट वर द रीजंस फॉर स्टार्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, क्या लगता है, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, राइजिंग प्राइसेस, लॉस ऑफ ब्रिटिशर्स इन साउथ ईस्ट एशिया अगेंस्ट जापानीज, एंड लीडरशिप वांटेड टू प्रिपेयर मासेस फॉर अ पॉसिबल जर्मन इन्वेजन, जर्मन इन्वेजन, ठीक है, जापानीज, ऐसे वर्ड्स को गोला मारो, कैसे कैसे वर्ड्स को, क्रिप्स, राइजिंग प्राइसेस में तो क्या ही गोला मारो, राइजिंग ही मार लो गोला, है ना, गोला मारना चाहिए हमें, जापानीज, जर्मन। ऑप्शंस हैं ए वन ओनली, बी वन एंड टू ओनली, सी वन एंड वन टू थ्री ओनली, डी ऑल ऑफ द अबव, क्या लगता है, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, बिल्कुल सही बात है, क्रिप्स मिशन फेल हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, फेलियर मतलब क्रिप्स जो थे उनसे बात नहीं बनी, भाई किसकी बात नहीं बनी, कांग्रेस की बात नहीं बनी, क्रिप्स क्या बातें कर रहे थे, टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहे थे, इसलिए बात नहीं बनी, डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे, डोमिनियन स्टेटस तो खत्म है ना, खत्म हो गया था। राइजिंग प्राइसेस, हाँ जी, बड़े राइस प्राइस बड़े बढ़ गए थे इस टाइम में, फेमाइन भी आया था, बंगाल फेमाइन, बड़ी दुखी स्टोरी है, बड़ी दुखी, पढ़ोगे तो थोड़ा सा सैड हो जाओगे फील, बंगाल फेमाइन 1943 का, बंगाल फेमाइन आया था 1942, 43, 44, बड़े मरे, बड़े ज्यादा मरे, ऐसी ऐसी फोटो है कि भाई दंग रह जाएंगे लोग, ठीक है। प्राइस इतनी बढ़ गई, प्राइस क्यों बढ़ गई, एक तो बर्मा था उस टाइम में, म्यांमार नाम नहीं था, बर्मा से चावल आना बंद हो गए, उसके बाद जो जो सामान उगता था वो सब एक्सपोर्ट कर देते थे, तो इंडिया में प्राइस बढ़ गई, ठीक है, एक तो जॉब वगैरह नहीं, प्राइस और बढ़ गए। लॉस ऑफ ब्रिटिशर्स इन साउथ ईस्ट एशिया, बिल्कुल सही बात है, अगेंस्ट जापानीज, जापानीज ने तो ऐसी धुलाई करी थी पूछो नहीं, साउथ ईस्ट एशिया में जर्मन एक तरफ से वहां धुलाई कर रहे थे, जापानीज यहाँ धुलाई कर रहे थे, बड़ा बुरा हाल था। ये जो फोर्सेस थी ना, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, इनकी तो भाई हवा निकालती थी वर्ल्ड वॉर टू के शुरुआत में, हिटलर वगैरह ने और जापानीज ने साफ कर दिया था। एनीवेज, लीडरशिप वांटेड टू प्रिपेयर मासेस फॉर अ पॉसिबल जर्मन इन्वेजन, जर्मन अटैक करने वाला था, क्या सही है गलत है, भाई जापान अटैक करने वाला था,
तो 1, 2, 3 सही है और डी जो है वो लास्ट जो है वो गलत है, आंसर इसका सी हो गया। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following are correct about Quit India Movement? All prominent leaders of the Congress were arrested. एक भी नहीं बचना चाहिए क्या? सब अरेस्ट हो गए थे? सब prominent leaders सोचो उस time में कौन थे? गांधी gave the slogan Do or Die. Upper classes and bureaucracy were largely loyal to the government. ये थोड़ा सा confusing है. And it was a violent movement. अरे एक तो गांधी movement बोल रहे हैं ऊपर से violent movement, क्या ये सही बात है? गांधी तो नॉन वायलेंट आदमी थे भाई, हमने तो यही पढ़ा है, आपने भी यही पढ़ा होगा। क्या ये उनका मूवमेंट वायलेंट कभी हो सकता है? क्या लगता है? चलिए सोचिए इसके बारे में। ऑप्शन है ए वन ऑनली, बी वन एंड टू ऑनली, सी टू ऑनली, डी ऑल ऑफ द अबव। तो गांधी ने डू और डाई तो स्लोगन दिया था, डू और डाई, डू और डाई, या तो करो या मरो, मरो मतलब वायलेंट था, समझ में आ रहा है? टू और फोर सही है तो एक ही बचा, सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा? ये वाला पता करना थोड़ा टफ है, ये जो है माइन्यूट डिटेल है, ऐसी चीजें पढ़ने में नहीं आती, मुश्किल होती है, समझ में नहीं आती। हाँ भाई ब्यूरोक्रेसी और अपर क्लासेस ज्यादातर उसके साथ में थे गवर्नमेंट के, तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। अच्छा क्वेश्चन था ना। चलिए हु स्टार्टेड अंडरग्राउंड रेडियो ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? चार लेडीज के नाम लिखे, उषा शर्मा, बिकाजी कामा, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी। बिकाजी कामा इस टाइम की नहीं है, काट दो, इस टाइम की नहीं है। अरुणा आसफ अली ने झंडा फहराया था, अब दो बज गई तो पढ़ा हो आपने, तो उषा शर्मा आंसर है इसका, उषा शर्मा, याद रखो पूछ लिया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, कितने सही हो गए, इसको सही करना है, ठीक है इसको सही करना है। क्वेश्चन देख के थोड़ी घबराहट हो रही है, इतने सारे पॉइंट्स दे रखे, कोई बात नहीं चलिए करते हैं, देखते हैं कौन सा सही है इनमें से। गांधी जी गेव डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इसका मतलब यह है कि किसानों को कुछ और बोला, ब्यूरोक्रेसी को कुछ और बोला, वकीलों को कुछ और बोला, स्टूडेंट्स को कुछ और बोला। क्या ऐसी बात थी? क्या ऐसी बात सच है? मूवमेंट डिड नॉट इम्पैक्ट प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स पता है या नहीं है? प्रिंसली स्टेट्स 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी, जहां पे नवाब राजा वगैरह अपना रूल चलाया करते थे, जैसे कश्मीर है ना एग्जाम्पल, जैसे कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, हैदराबाद में निजाम, ये सब प्रिंसली स्टेट कहलाते हैं, ठीक है। और बाकी ब्रिटिश स्टेट थी, ब्रिटिश स्टेट क्या क्या थी? बंगाल थी, बिहार थी, है ना, ये सब याद होगा, उड़ीसा, नहीं आता पढ़ लेना, मैं भी बना दूंगा। गांधी मैरिजेस वर ऑर्गेनाइज, क्वेश्चन टफ लग रहा है, अजीब अजीब सी बातें लिखी है। थ्री मेंबर्स ऑफ द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिजाइंड, अब इतना कॉन्फ्लिक्ट याद रखता है यार। कम्युनल क्लैशेस हैपेंड ड्यूरिंग द मूवमेंट, तो कम्युनलाइजेशन तो बढ़ गया था, मुस्लिम लीग आ गया था, तो क्या लगता है? सच है, टफ क्वेश्चन है ये, टफ। इसका अगर आप आंसर दे पा रहे हो तो आपने काफी अच्छी पढ़ाई करी है। ऑप्शन भी देखिए, 1, 2, 3 ऑनली, 1, 3, 4 ऑनली, 2, 3, 4 ऑनली, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स ये जो मूवमेंट था ये ऑनली मूवमेंट था, इसे याद रखो, जो प्रिंसली स्टेट में गया था, प्रिंसली स्टेट में गया था, ये गलत है। तो ऑप्शन ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया और एक बच गया, है ना, कितना आसान रहा, कितना आसान रहा। नहीं तो एक को पढ़ के हम सारे निकाल पाए आंसर, ठीक है, एक को पढ़ के। इस टाइम में कम्युनल क्लैशेस नहीं हुए थे, नहीं नहीं नो, ठीक है, इस टाइम में नहीं हुए थे कम्युनल क्लैशेस, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रिंसली स्टेट में अफेक्ट करने वाला एक ही मूवमेंट है, वो क्विट इंडिया मूवमेंट है। तो 1, 3 एंड 4 ऑनली भाई हो गया, है ना। तो फ्रेंड्स ये था मेरे साइड से सब कुछ, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आपको जो भी चाहिए टॉपिक क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद, जो भी चाहिए वो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। आपकी प्रिपरेशन बस बढ़िया होनी चाहिए, वीडियो को दो बार देखो, सॉल्व पूरी हिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। और भी हम वीडियोस लाएंगे, किसी भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए बस कमेंट सेक्शन में लिखो, मार्क्स आएंगे आपके, बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। और थोड़ी स्पीड से देख लेना वीडियो नेक्स्ट टाइम में, 1.5x की स्पीड से देख लेना वीडियो। चलिए फ्रेंड्स थैंक यू एंड अच्छे से पढ़ाई करिए, टेक केयर।